बहुत प्यारी। बस फजर भाई भी आते होंगे, 2 बजे तक कहा था उनसे कि केक ले आना। हाँ ना करे, बड़ा वाला केक लेकर आए। केक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने खुद कहा था फजर भाई से कि केक ले आए। अम्मी आप बताए ना फराज को, आप समझाएं कि अब्बू की बर्थडे है। क्या हो गया फराज तुम्हें है? कुछ बताओ तो सही, क्यों नहीं आएगा भला केक? फजूल की बात। बकरे को आखिरी बार पानी पिला दे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बकरे को आखिरी बार, अब्बू को आखिरी बार पानी पिलाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तो हमने उनकी सालगिरह भी मनानी है। होश में आए अम्मी। आनिया तुम्हें भी कुछ गलत नहीं दिख रहा? अरे कुछ गलत हो तो दिखे ना। तुम्हें क्या हो गया फराज? इतने अरसे बाद हमारे घर में खुशियां लौट कर आई हैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं अहमद मियां को। आ गए वो। कौन? फराज आखिर अब्बू ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उन्हें हमसे दूर कर रहे हो? वो तो डिस्टर्ब भी नहीं करते, एक ही जगह पे बैठ के अपना चारा खाते रहते हैं फराज। क्योंकि मैं अपने घर का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। बात अब घर से बाहर निकल चुकी है। चुप कर जा। घर से बाहर वालों की तुम्हें इतनी परवाह है, इतना ख्याल है? अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपने छोटे से बच्चे की किसी ख्वाहिश का तुम्हें एहतराम नहीं है? अली भी इतने दिनों बाद खुश है, उसकी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? फराज याद करो बेटा, याद करो, जहन पे जोर दो। जब तुम छोटे से थे, तुम्हारी कितनी उल्टी सीधी ख्वाहिशें तुम्हारे अब्बा मियाँ यानी के अहमद मियाँ पूरी किया करते थे, तुम अपने बच्चे की नन्ही सी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? तुफ है तुम पे। अब्बू मरने के बाद क्या होता है? अगर आपने अच्छे काम किए, सुकून की जिंदगी गुजारी है, तो मरने के बाद भी सुकून ही सुकून होता है। लेकिन अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी के साथ गलत किया है, तो आप मरने के बाद भी बेचैन ही रहते। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसे एक मौका देकर देखो।